हाय लवलीज, कैसे आप सब? मैं हूँ आरजे महक एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्वेलरी हॉल। एथनिक एंड सिल्वर ज्वेलरी है, ज्यादातर इयररिंग्स है एंड कुछ रिंग्स है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेरी आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 75% व्यूअर्स है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देखते हैं, तो उसमें कोई खर्चा नहीं होता है, फ्री है। सो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन दबाए, साथ में नोटिफिकेशन बेल बटन दबाए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड यस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एज आरजे महक, साथ में फेसबुक पेज पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मिंत्रा से जो मैंने ज्वेलरी ली है उसका हॉल शेयर करूंगी। सबसे पहले वॉयला की बारी, वॉयला ब्रांड जिसमें काफी क्लासी होते हैं उनके डिजाइन, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं, लेकिन जब भी सेल आए तो आप नज़र रखो, आपको काफ़ी अच्छे रेट्स में ये काफ़ी हटके डिज़ाइन वाली ज्वेलरी मिल सकती है। तो मैं सबसे पहले ये रिंग की बात करूँगी आपसे, मैं स्क्रीन पे दे दूँगी उसकी प्राइस है वो, एंड मैं वीडियो के नीचे भी लिंक्स दे दूँगी हो सके उतनी। सो आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी ये रिंग है, जो मैंने आज ही मेरे रेडियो के एक इवेंट में यही वाले श्रग के साथ पहनी थी एंड मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा। वॉयला से ही मैंने, वॉयला ब्रांड की ही मैंने ये ओम नमः शिवाय लिखी इयररिंग्स एक वीडियो में मैंने पहनी भी थी। तो ओम नमः शिवाय लिखा है, ऊपर छोटा सा त्रिशूल है एंड नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डमरू है। वजन नहीं है पर ये बहुत क्लासी एंड बहुत ही डिफरेंट लगता है। सो वॉयला के बाद मैंने मिंत्रा से ही लिया है ये झुमका, आप देख सकते हैं ये डल गोल्ड है एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड रूबंस। तो बहुत ही डिफरेंट ये झुमका है, डल गोल्ड है, नीचे ये ब्लैक बीड्स हैं एंड यहाँ पे थोड़े ऑफ वाइट से बीड्स है। ये वजन में ज़रा भी हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीप भी नहीं है। उसके बाद मैंने ये क्यूट सी झुमकी ली है, बहुत ही हल्का फुल्का छोटा सा ये झुमका है, लेकिन आगे आप देखोगे यहाँ पे पीकॉक है एंड पीछे ये पूरा जैसे जाली जैसा बनाया हो एंड नीचे बीड्स है, बहुत ही लाइट वेट है। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे पास बड़े बड़े झुमके काफ़ी है, हैवी झुमके काफ़ी है, लेकिन ऑफिस में हम नहीं पहन सकते कोई त्यौहार में, यू नो कोई एथनिक सी कुर्ती के साथ बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते डैंगलर्स, तब कुछ आप ऐसा यू नो छोटी मोटी झुमकी पहनते हैं। इवन आपको घर में पहनने हैं कोई छोटे मोटे फेस्टिवल में, घर में ही ठीक ठाक आपको यू नो अच्छे कपड़े पहन के घूमना है, तो ना ऐसी झुमकियाँ बहुत ही क्लासी लगती है, एट द सेम टाइम ये काफ़ी लाइट वेट भी होती है। उसके बाद मैंने जवेरी पर्ल से ये वाले टॉप्स लिए हैं, ये काफ़ी बड़े हैं आप देख सकते हैं, और बस ये आपने पहन लिया तो मेरे ख्याल से और कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये काफ़ी लाइट वेट है एंड कुंदन है बीच में, एक रेड से है कुंदन का कुछ, तो ये ना आपके सभी आउटफिट्स के साथ मैच हो जाएगा। अभी मैंने कुछ लोगों को पहनते भी देखा है जहाँ पे सेंटर है ना यहाँ पे इसका होता है ये जो तार है पूरा और उसे बंद करने का, तो मैंने कुछ लोगों को पहनते हुए देखा है कि अभी अभी ये देखिए ये मेरे कानों में कितने अच्छे से बैठ गया है, क्योंकि इसका ये जो ऊपर है ना इसलिए बहुत अच्छे से ये सेट होता है। लेकिन अगर ये आप देखिएगा कभी ऐसे आप बड़े से कोई टॉप लेने वाले हो तो 3-4 पिक्चर्स होते हैं वेबसाइट पर, तो आप थोड़े से देख लो कहीं पे ऐसे पीछे का अगर आपको दिखाया हो पिक्चर, तो ये वाला ना ऊपर होना चाहिए, अगर सेंटर में होता है ना तो इयररिंग्स मैंने देखा है कि कुछ लोग पहनते हैं ना तो ये ऐसे हो जाती है, मैंने देखा है कई लोगों को ऐसे ऐसे दिखती है, तो ये आधी निकली हुई है आधी मतलब फंसी हुई है तो वो ठीक नहीं लगती है, जबकि आप देखिए ये बहुत ही अच्छे से ये आपके कानों में सेट हो जाती है। एंड मिंत्रा पे ना इसकी मैचिंग की रिंग भी मिलती है, अगर आप चाहो तो यू नो सेट में भी ले सकते हो या अलग अलग लेके इसका
सेट भी बना सकते हैं। मैंने ये ऑर्डर किया एंड उसके बाद मैंने दो इयररिंग्स ली है। अगर आपके सिटी में वेस्ट साइड है तो आप डेफिनेटली चेक कीजिए, उनका ज्वेलरी कलेक्शन काफ़ी डिफरेंट होता है, हाई क्वालिटी होती है एंड इतना महंगा भी नहीं होता है, काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। 300-400 रुपए में आपको बहुत अच्छे अच्छे रिंग्स, नेकलेसेस, बैंगल्स सिल्वर में एंड गोल्डन में मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये वाले आप सिल्वर इयररिंग्स देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी एंड काफ़ी लाइट वेट है। वैसे बहुत ही सिंपल सा ये इयररिंग है, कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत ग्लासी लगता है। अब मैंने everstylish.com, ये एक वेबसाइट है एक्सेसरीज की, जिसपे काफी अफोर्डेबल रेट में काफी डिफरेंट वाले आपको सिल्वर इयररिंग्स एंड जुमकी इन रिंग्स आपको मिलेंगे, तो आप ज़रूर से देखिएगा। मैंने कुछ चीज़ें मंगाई है जो काफ़ी अफोर्डेबल है। ये देखिए ये पिजन वाले जो इयररिंग्स है, ये काफ़ी लाइट वेट है एंड मैं जब भी ये पहनती हूँ ना, चाहे मेरे वीडियोस में या मैं कहीं जाती हूँ, तो मुझे हर कोई पूछता है कि ये आपने कहाँ से लिया, क्योंकि आप देखना इंस्टाग्राम स्टोर्स पे ये इतने महंगे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मुझे everstylish.com पे मिल गए हैं। everstylish को मैं यहाँ पे, मैं स्पॉन्सर कोई नहीं है, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था इस वेबसाइट से, तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर किया था। कुछ 50-60 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन मुझे कुछ 8-10 दिनों में मिल गया था इन लोगों का कुरियर। तो ये सारे ना मोस्टली जो इयररिंग्स हैं ना, ये डेली यूज़ में आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं आरजे हूँ, मुझे हर रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है, कोई ना कोई फंक्शन में जाना होता है। ऐसे ही ज्वेलरी कैरी करती हूँ जो डिफरेंट भी है एंड एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी है। everstylish.com से ही मैंने ये वाले इयररिंग्स भी खरीदे हैं। ये अगेन बहुत ही लाइट वेट है। उसके बाद ये वाले इयररिंग्स हैं, ये बहुत ही मॉडर्न दिखते हैं, आप छोटी सी यू नो कुर्ती या एथनिक टॉप्स पे आप पहन सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये वाला जो टॉप पहना है, मैंने रिसेंटली मिंत्रा से ऑर्डर किया है एंड यस, बहुत सारे मैंने आउटफिट्स मंगा के रखे हैं, अगेन ऑनलाइन ऑफलाइन उसका हॉल, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत स्टाइलिश लगते हैं ऐसे इयररिंग्स, इवन डेली आप कॉलेज जा रहे हो या वर्किंग हो, कुर्ती के साथ भी आप पहन सकते हैं, कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं आप, और आप थोड़ा सा यू नो वेस्टर्न कपड़ों पे भी पहन सकते हैं इसे। और everstylish.com से ये लास्ट वाला इयररिंग, ये स्क्वायर है और इसमें और भी शेप्स थे, अगेन काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी मॉडर्न एंड डिफरेंट डिज़ाइन। अब मैंने ऑफलाइन कुछ एग्जिबिशन से, हैंडीक्राफ्ट के एग्जिबिशन आते हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको सिल्वर ज्वेलरी बहुत अफोर्डेबल एंड डिफरेंट मिल जाती है, जिसमें से ये वाला झुमका शायद आपने देखा होगा मेरे एक आधे वीडियो में मैंने पहना होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी रखा था ये पहने हुए। ये बहुत लाइट वेट है लेकिन कितना डिफरेंट है देखिए। और इसका डिज़ाइन आप देखोगे तो ये सारी जो फ्रिंज है ना, ये एक साथ नहीं है, आगे वाली थोड़ी सी ऊपर है फिर ये नीचे जा रही है, तो एक बहुत अच्छा सा शेप यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो इयररिंग है ये अगेन लाइट वेट है, नीचे देखिए तीन झुमकी है जिसमें कुछ मल्टी कलर बीड्स है, तो ये आपके सभी आउटफिट्स के साथ सूट करेगी, काफ़ी लाइट वेट है ये एंड अगेन ये 200 रुपए के अंदर ही थी, बहुत ज़्यादा चमकीली नहीं है। एंड में जो ये झुमकी है,
इसका डिजाइन आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक पीकॉक है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, काफ़ी बारीक बारीक इसकी डिज़ाइन है। ये बहुत लाइट वेट है। मैंने दो रिंग्स ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहली ये फिश शेप की रिंग है, ये मैंने 100 रुपीज में वही एग्जीबिशन से ली है। ऐसी लगती है, सो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड साथ में बहुत डिफरेंट भी है। एंड में ये वाली रिंग, ये भी 100 रुपीज की ही है, लेकिन अब इसका फिनिशिंग देखिए, जरा भी चीप नहीं लगता। सो ये था मेरा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑक्सीडाइज एंड एथनिक इयररिंग्स एंड रिंग्स यानी कि ज्वेलरी हॉल। आपको पसंद आया होगा मुझे ऐसी आशा है। एंड यस, मैं जितने भी लिंक्स हैं उस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, हो सके उतने। मेरी चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबाएं ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मेरे सारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी पे मुझे मेरे साथ कनेक्टेड रहिए एज आरजे महक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।